हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस <coughs> के क्वेश्चंस साइंस में आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा बेसिक्स जो एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं पेपर को क्योंकि लगता है कि हमें आज आता है लेकिन उसमें क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं वो वाले क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंट है आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है ये मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं ये वाले ठीक है तो बढ़ते हैं आगे सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मतलब स्टार्ट विद द मतलब लेक्चर ठीक है सो so आवाज़ तो आपको सब क्लियर आ रही होगी यस ठीक है तो चलते हैं जी आगे तो डिस्कस करते हैं साइंस के एम और इस क्लास को लेकर आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल तो बढ़ेंगे आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 100 परसेंट यहाँ पर फॉलो करना है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मेरे साथ यहाँ पे वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं क्लियर यस yes. और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपका कोई पेपर होता है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इस जो है ईमेल आईडी के ऊपर क्लियर हो गया आप लोगों को बाकी जो मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं जैसे आज हम साइंस की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर आप मेरे से साइंस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी जो भी सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एम्स कोर्स जिसमें हमारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एम सी को डिसकस किए गए हैं डिटेल में यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो किए गए हैं और प्लस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है आपको कोई अलग से परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है मॉक टेस्ट के लिए तो ये कूपन कोड लगा लेना आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा जी एस कोर्स की बात करूँ ये हमारा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें हमने इसमें स्टडी करी हैं अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं दो जगह से स्टडी आई क्यू ऐप से भी ले सकते हैं आप लोग और हमारी वेबसाइट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन इस वी ऑल के बटन को जैसे आप दबाएंगे जीएस कोर्स आपको तीसरे नंबर पे नजर आएगा टेन थाउजेंड एम सी कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लियर और जो मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट मैंने ग्यारह अपलोड कर दिए हैं और बारवा जो होगा इस सैटरडे आएगा बारहवां जो होगा इस सैटरडे आएगा और ये आएगा कहाँ पे टेन थाउजेंड एम कोर्स में जिसमें लेवल होगा स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस ठीक है चलिए जी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जी वन कैलरी ऑफ हीट एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली हाउ मच यू जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मतलब सीधी सी बात कर रहा है वन कैलरी किसके बराबर होती है कितने जूल के बराबर होती है सो दिस इज इक्वल टू द फोर पॉइंट टू जूल तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यस वन किलो वन कैलरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट टू जूल इज द करेक्ट वन आंसर नंबर फोर इज द राइट वन आंसर नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ हीट यहां पे देखो कैलरी इज यूनिट ऑफ हीट और कैलरी क्या होती है एक ऐसी uh, जो हीट जो आपका वन ग्राम ऑफ वाटर का जो हीटनेस uh, है वो इनक्रीज़ कर देगी बाय 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो कैलोरी यूज़ करते हैं हम फूड के अंदर वो किलो कैलोरी यूज़ की जाती है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्लियर वन कैलरी इज इक्वल टू वन फोर पॉइंट वन एट सिक्स जूल के बराबर होती है और अदरवाइज फोर पॉइंट टू जूल के बराबर होती है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए यस yes. बॉक्साइट इज द ओर ऑफ बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बॉक्साइट जो ओर है वो किसकी है एल्यमिनियम की आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम की ओर और दूसरी कौन सी है कोरडम फेल्सपार ये सारी जो है आपकी ओर एल्यूमिनियम की बात करूं अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला जो है सबसे ज्यादा मेटल होता है दैट इज एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मेटल एलुमिनियम होता है याद रखना इंपॉर्टेंट है जिंक की बात करते हैं तो जिंक पायराइट कैलामाइन सो दीज आर द द ओर्स ऑफ जिंक ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये yes, बिल्कुल सही जी जिंक ब्लैंड जिंक ब्लैंड भी होता है जिंक फायराइट छोड़ो जिंक ब्लैंड होता है जिंक जिंक ब्लैंड और कैलामाइन जो होता है सो दीज आर द ओर्स ऑफ द जो है आपके जिंक के आते हैं कॉपर की बात करें क्यूप्राइट ठीक है कॉपर ग्लांस कॉपर पाए सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉपर यस समझ आया आप लोगों को यस yes, बिल्कुल सही सो आंसर नंबर क्या बनेगा ए इज द करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम इज द राइट वन एलुमिनियम अगला बताइए जी जब हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं धरती के ऊपर इस एकदम से नीचे गिरती है उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी जब वो धरती की तरफ आएगी इस टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट क्लियर हो गया कांस्टेंट आएगी दैट मीन्स उसका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सभी जगह के ऊपर क्या होगी बराबर होगी तो आंसर इसमें क्या बनेगा इट रिमेन्स सेम तो वो सभी जगह के ऊपर सही रहेगी वैसी की वैसी ही रहेगी तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम बॉडी फॉल्स फ्रीली टू वर्ड्स अर्थ same. एनर्जी number बी इज the करेक्ट वन आंसर नंबर बी चलिए अगला आंसर बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज के लेक्चर में और गल, गलत होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे शार्पनेस ऑफ ए टेलीविजन इमेज इज टर्म्ड एज इट्स जो उसकी आ, मतलब टेलीविजन के अंदर जो है शार्पनेस आती है तेजपन आता है मतलब इमेज का तो वो छवि का जो ते, आ, मतलब तेजपन आता है तो वो किसके कारण होता है कलर्स क्लैरिटी ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन के ऊपर यस बताएंगे आप लोग बिल्कुल रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन संकल्प जैसे कि फॉर नॉट संकल्प इट्स रेजोल्यूशन ठीक है रेजोल्यूशन जो उसकी तीव्रता होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आप फोटो रेजोल्यूशन करते हैं कोई कहते हैं फोर के पे खींचे कोई एच पे खींची है कोई लो क्वालिटी पे खींची है तो सेम क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है तो वो रेजोल्यूशन का इमेज का फर्क पड़ जाएगा उसका क्लियर तो आप में से काफ़ी लोग जो है लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर जो है जो है बैटरी लो करके देखते हो जो है आपका वन फोर्टी पे और जो भी स्पीड पे देखते हो गए पिक्सल पे तो डैट मीन्स वो क्या है शार्पनेस के बारे में बात कर रही है ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अजय एक चीज क्वेश्चन आपको पेपर में और आता है कि टेलीविजन इमेज जो आपका टीवी रिमोट होता है टीवी रिमोट टीवी रिमोट में हम जब टीवी का चैनल चैनल कर रही होती है वो कौन सी लाइट होती है दैट इज द इंफ्रारेड रेज वो कौन सी होती है इंफ्रारेड रेज होती है तो आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर रेजोल्यूशन होता है आंसर नंबर फोर चलिए अगला बताइए ब्लू कलर ऑफ द वॉटर इज ड्यू टू देखिए ब्लू कलर है सिंगल कलर है मैंने आपको बताया था कि सिंगल कलर का फिनोमिन आ जाए ब्लू कलर ऑफ द वॉटर ब्लू कलर ऑफ द स्काई सो दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमें आ, जो है रमन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं अट्ठाईस फरवरी इज द नेशनल साइंस डे उसी दिन हमारा रमन इफेक्ट आया था सी वी रमन जी ने दिया था तो यह क्या बनेगा दैट इज स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट बाई द वाटर मोलिक्यूल्स तो आंसर इसमें क्या बनेगा बी सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट वन सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन यस जी सी ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ द लाइट सी इज द करेक्ट वन एक चीज आपको और बता दूं एक रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्शन क्या होता है बैंडिंग ऑफ लाइट लाइट बेंड कर जाती है यहाँ से इस तरीके से कर जाती है बेंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पानी के नीचे पानी के बीच में स्टिक की बात करूँ स्टिक ऊपर उठा हुआ दिखेगा तो वो क्या है डैट इज़ रिफ्लेक्शन जो uh, आपके रेन ड्रॉप्स हैं वो से आते हैं अगेन डैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और लाइट uh, uh, जो होती है जैसे डायमंड uh, uh, है उसमें भी रिफ्लैक्शन होती है डायमंड में शाइनिंग आती है डायमंड में शाइन आता है शाइनिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो डायमंड की अगर रेनबो की बात करूँ इंद्रधनुष इंद्रधनुष चमकता है तो वो आपका क्या बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेकिन इंद्रधनुष में रिफ्लैक्शन भी होती है क्योंकि लाइट बैंड भी होती है वहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले ठीक है सो so, इतने बड़ी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्कैटरिंग बस याद करना वेरी इंपॉर्टेंट चलिए जी ऑडिबल रेंज जो होती है हमारी ह्यूमन ईयर्स uh, की वो कितनी होती है सो दिस इज अ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रिक्वेंसी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है अगर आप बीस हजार हर्ड से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड से जो है ऊपर चलते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक क्लियर और इससे नीचे की बात करता हूं तो लेस देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स दैट इज इंफ्रासोनिक ये हम सुन नहीं सकते हम सिर्फ सुन सकते हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स अल्ट्रासनिक वेव्स जो हैं जैसे बैट्स हैं चमगादड़ चमगादड़ जो है आपकी वो अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ता भी है और कैप्चर भी करता है याद रखना आंसर नंबर बी इज द राइट वन आंसर नंबर बी सो यहाँ पे देख लीजिए इंफ्रासाउंड infra, uh, और अल्ट्रासाउंड और ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड जो हैं ये क्या होती हैं फ्रीकुन्सी लो दैन ह्यूमन ईयर ये जैसे कि आपकी uh, हाथी वगैरह की सो so, यहाँ पे बैट्स की क्या होती है अल्ट्रासउनिक वेव्स सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चलिए ह्यूमन ब्लड रेड होता है कलर में क्यों ह्यूमन ब्लड रेड इसीलिए होता है क्योंकि दो चीज़ें हैं क्योंकि हमारा आरबीसीज़ होते हैं आरबीसीज़ होते हैं आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन होता है एक होता है हीम पार्ट और एक होता है ग्लोबिन पार्ट ठीक है हीम पार्ट जो होता है ये क्या करता है आर के अंदर आ, आ, हीम पार्ट जो होता है कि आयरन है ये और लाल रंग देता है ये जिसके कारण ब्लड रेड कलर का आता है ग्लोबिन पार्ट की अगर हम बात करता हूँ तो ये प्रोटीन है जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके बाइंड होती है सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्लियर सो ये ह्यूमन ब्लड रेड कलर के अंदर है क्यों रीजन क्या है सो दिस इज ड्यू टू द हिमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल सो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी 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 आंसर नंबर इज द करेक्ट आंसर लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है आंसर नंबर इज द करेक्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए जी अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑन अर्थ इज नोन इज लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं सर्वाइविंग फॉर मोर देन 150 बिलियन ईयर्स जो लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं जो 150 बिलियन ईयर तक जो है सर्वाइव कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं इज द ऑलिव टर्टल ऑलिव टर्टल कहते हैं आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर क्लियर ऑलिव टर्टल जो है ये गाथा बीच के ऊपर आते हैं आपको याद होगा गाही माथा बीच कहां पे है उड़ीसा में वहां पे क्या करते हैं मास नेस्टिंग मास नेस्टिंग करते हैं ये और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अरिबदा अरिबदा कहा जाता है तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर ऑलिव रिलेड टर्टल आंसर नंबर वन सो दिस इज द मास नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव टर्टल दिस आर द लिविंग फॉसिल्स चलिए अगला आंसर बताइए स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू द प्लेसेंटा बच्चा और प्लेसेंटा जो है वो किससे कनेक्ट होता है ये होता है अम्ब्लाइकल कॉर्ड से क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है बाहर आता है मदरस के यूट्रस से बाहर आता है तो पहली पहले ही अम्ब्लाइकल कॉर्ड काटी जाती है तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर वन क्लियर एमनियन की बात करूँ एमनियन एक सैक होता है और इसके अंदर एक फ्लूड होता है डैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूड एमनोटिक फ्लूड ये इस फ्लूड को पहले हम क्या करते थे इस टेक्निक यूज़ करते थे इसे फ्लूड को खींचा जाता था और ये हमें बता देता है क्रोमोजोमल एमनॉमेलिटी के बारे में कि क्रोमोजोम में कोई दिक्कत तो नहीं है अगर दिक्कत है तो उसी टाइम बच्चे को जो है अबॉप्ट कर दिया जाता था उस टाइम पर और ये टेक्निक होती थी एमनियोसेंटेसिस और इससे क्या हो गया ये हम सिर्फ क्रोमोजोमल प्रॉब्लम को चेक करने के लिए होते थे लेकिन अब उस टाइम पे आज से थोड़े टाइम पहले अगर हम बात करें जो, जो जब क्रोमोजोम पता लग गया तो हमें ये भी पता चल गया कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट पता लग गया तो इसीलिए बैन कर दिया क्योंकि लोग मरवाने लग गए थे लड़कियों को क्लियर भून हत्या जिसे आप कहते हैं उसके बाद है इट्स कॉल्ड बल्बो यूथरल ग्लैंड ये कहाँ पर होते हैं इसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं ठीक है और ये जो होती हैं मेल में होती हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर मेल के अंदर होती हैं और कॉपर्स ग्लैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और ये वॉल्यूम ऑफ द सिमन वॉल्यूम ऑफ द सिमन को यहां पे जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लुब्रिकेट करने में आपको हेल्प करती हैं कोरियन जो होती है ये फीटल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है फीटल फीटल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कोरियन आंसर नंबर वन इज द राइट वन अम्बलाइकल कॉर्ड यहां पे देख लीजिए ठीक है सो so, ये जो है मदर का यूट्रस है यूट्रस मतलब

हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस क्या है आइटस मतलब इन्फ्लामेशन, हेपा मतलब लीवर लीवर की इन्फ्लामेशन, लीवर की इन्फ्लामेशन जो है ये कौन सी डिजीज है सो दिस इज ए वायरल डिजीज आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर वायरल रोग है ये आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट वन आंसर नंबर फोर ठीक है एक चीज आपको और बताना चाहूंगा हेपेटाइटिस बहुत बहुत तरीके के हैं ए बी सी डी बहुत सारे तरीके के हैं लेकिन सबसे डेंजरस कौन सा है हेपेटाइटिस सी सो यहाँ पे तो जान जाएगी ही जाएगी किसी भी पर्सन की हेपेटाइटिस सी में तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन क्लियर हो गया आप लोगों को और अगर आपसे पूछा जाए लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड हिपेटोलॉजी हिपेटोलॉजी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और फंगल की स्टडी को फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं माइकोलॉजी और कौन सा फंगस खा सकते हो दैट इज एडिबल फंगस इज मशरूम ठीक है सो आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट वन आंसर नंबर फोर ये देखिए जी हेपेटाइटिस ए बी सी ये पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी एक्चुअली किसके कारण हो जाता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं आप लोग ठीक है टैटूज टैटूज़ वगैरह करवाते हैं तो जब टैटू करवाते हैं तो ओब्वियसली ब्लड का concept, uh, जो है आपका सिरेंजेस नीडल्स का कॉन्टैक्ट आता है तो अगर किसी दूसरे पर्सन को हेपेटाइटिस हो रखा है सी खास करके तो आपको भी हो सकता है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी भी ऐसी हो सकता है हेपेटाइटिस ए जो होता है uh, खाने पीने से हो सकता है चलिए से बताइए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स बताइए कौन सा होता है यस विटामिन सी विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड क्लियर और ये वाटर सोलेबल है वाटर सोलेबल है वाइटामिन सी की कमी से हो जाता है आपको वाइटामिन uh, सी की कमी से हो जाता है डेट इज अ स्कर्वी स्कर्वी जो मसूडों से ब्लीडिंग आने लग जाती है स्कर्वी रोग हो जाता है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है डेट इज कॉल्ड आपका ऑरेंज यहां पे ऑरेंज इसके अंदर होता है सबसे ज्यादा विटामिन सी अदरवाइज सबसे ज्यादा रिच सोर्स आपको पता ही है डैट इज कॉल्ड आंला आंवला ठीक है फाइलेंथस एम्बलिका कहते हैं आमला को सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर और बस ये पता होना चाहिए आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर डेट इज ऑरेंज और टोमेटो में होता है ऑक्जैलिक एसिड आंसर नंबर सी क्लियर हो गया आप लोगों को और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा विटामिन सी जो होता है मिल्क के अंदर नहीं होता और विटामिन सी आपका आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाता है दूध के अंदर दो चीज़ें नहीं होती ना विटामिन सी ना आयरन होता है याद रखना और विटामिन सी हमें सिर्फ प्लांट फूड से मिलता है नो एनिमल फूड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन और खाना बनाते समय पे सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा विटामिन का विटामिन में किसका विटामिन सी का दूसरे नंबर पे विटामिन बी का आंसर नंबर सी क्योंकि वाटर अवलेबल है अगला बताइए हम्म बैटरीज यूज इन मोबाइल एंड स्मार्टफोन आर जो बैटरीज यूज करते हैं स्मार्टफोन में वो कौन सी बैटरीज होती हैं यस सो दिस इज द बैटरी ऑफ लिथियम आयन बैटरी बस इतना ही याद करें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको लिथियम आयन बैटरी होती है आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन लिथियम आयन बैटरी यस बिल्कुल सही लिथियम आयन बैटरी होती है ये आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आंसर नंबर सी क्लियर यहां पे देख लो लिथियम आयन बैटरी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह लिथियम वगैरह पोरस कैथोड वगैरह पे स्टेबलाइज किया जाता है मतलब इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत आपको पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा बट हाँ ये पूछा जाएगा लिथियम आयन बैटरी होती है ये पता होना चाहिए अगला बताइए सेफ्रन इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम जो सेफ्रन होता है केसर ये कौन से पार्ट से आता है सेफरन की बात करता हूं पहली बात तो सबसे इंडिया में कहां पे मिलता है कश्मीर में वर्ल्ड वाइड ईरान में सेफ्रन जो होता है ये कश्मीर में जो लैंड्स होती हैं हाई लैंड्स के ऊपर हाई के ऊपर उगाया जाता है एंड दैट लैंड इज कॉल्ड करेवाज़ उसको हम करेबाज कहा जाता है ठीक है और दूसरी बात सेफरन जो होता है ये ऑप्टेंड होता है कहाँ से स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ द ओवरी से तो आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर दैट इज स्टिग्मा एंड स्टाइल आंसर नंबर फोर इज द करेक्ट वन यस बिल्कुल सही जी आंसर नंबर फोर स्टिग्मा एंड स्टाइल स्टिग्मा एंड स्टाइल अगला बताइए जी इंस्ट्रूमेंट यूज टू तो ऑब्जर्व चेंजेस इन द सोलर सिस्टम अगर आप सोलर सिस्टम में कुछ चेंजेस देखते हैं तो वो कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है कौन से टेलीस्कोप से कौन से माइक्रोस्कोप से तो वो हबल टेलीस्कोप से हम मेजर करते हैं हबल टेलीस्कोप सिंपल सा क्वेश्चन है ये टेलीस्कोप इलेक्ट्रॉन का तो अलग चीज़ है माइक्रोस्कोप बिल्कुल छोटी चीज़ों को देखने में आपको हेल्प करवाता है तो आंसर इसमें क्या बनेगा यस आंसर नंबर वन हबल टेलीस्कोप बिल्कुल सही जी आंसर नंबर वन और सन सन की बात करता हूँ सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ये आपकी हिलियोसेंट्रिक थ्योरी बताती है और हिलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी कॉपर निकस ने दी थी और दूसरी बात यह है कि सन के पास जो एनर्जी आती है वो किसके कारण आती है न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण नाभिकीय संलयन के कारण आती है नाभिकीय संलयन आंसर नंबर वन इज द करेक्ट वन आंसर नंबर वन अगला बताइए जी जी फ्यूज़ वायर जो यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में वो किस चीज़ की बनी होती है फ्यूज़ वायर फ्यूज़ वायर का जो आपका जो फ्यूज़ uh, वायर होता है इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है हाई मेल्टिंग uh, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट कर जाता है और हमें पता लग जाता है कि करंट ज़्यादा आ गया ठीक है जी बिल्कुल सही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और सॉरी इसका रेजिस्टेंस हाई होता है हाई रेजिस्टेंस होता है मतलब करंट को रोकते रखता है लेकिन करंट ज़्यादा आ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी पकड़ लेता है और मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका और फ्यूज वायर जो बनी होती है लेड और टिन की बनी होती है आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर लेड और टिन बिल्कुल सही लेड और टिन की बनी होती है ये अगर आपसे प्योर फ्यूज पूछा तो वो क्या होगा प्योर फ्यूज वायर बनी होती है टिन की तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्यूज वायर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आर मेड अप ऑफ लेड एंड टिन आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन लेड एंड टिन ई जी जो यूज किया जाता है वो किसको मेजर करने में हम इस्तेमाल करते हैं ई जी इसका मतलब इलेक्ट्रो इंसेफ्लो ग्राम ठीक है ये होता है सो इंसेफ्लो मतलब क्या हो गया ब्रेन सो ब्रेन का जो चीजें चेक चेक करी जाती हैं वो ईईजी द्वारा चेक की जाती हैं हार्ट की अगर हम बात करें तो ईसीजी द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है याद रखना है और ब्रेन की स्टडी को हम क्या कहते हैं डेट इज न्यूरोलॉजी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है नर्व टिश्यू और नर्व नर्व सेल जिसे आप न्यूरोन कहते हैं और प्लस uh, न्यूरोन के पास हाईली जो है डीजनेटिव पावर होती है मतलब दोबारा से बनने की शक्ति बहुत कम है मिनिमम रीजनेशन पावर और मैक्सिमम डीजनेशन पावर होती है ब्रेन के सेल्स के पास हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं स्केल्टल प्रॉब्लम जो हो सकती है अगर आप फ्लोरोसिस फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको फ्लोराइड जो है स्केल्टल प्रॉब्लम हो सकती है याद रखना स्केलेटल फ्रॉ इन द न्यूक्लियस ऑफ ए प्लूटोनियम न्यूक्लाइड एज यहाँ पे क्या है ये वाली चीज़ है सो प्लूटोनियम यहाँ पे टू और नाइन्टी नाइन्टी टू क्या होता है ये आपका मास नंबर सॉरी ये आपका एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला क्या है मास नंबर है मास नंबर क्या होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ओनली प्रोटोन का कॉन्सेप्ट ठीक है तो यहाँ पे मास नंबर माइनस अटोमिक नंबर इजिकल टू न्यूट्रॉन यानी कि टू फोर्टी टू माइनस नाइन्टी टू कर दो सो टू टू जीरो ट्वेंटी फोर से नाइन गए थर्टीन 13. तो एक सौ तीस बनेगा तो यहाँ पे क्या यहाँ पे ऑप्शन गलत कर दिया कहीं पे हमने और सॉरी नाइन्टी फोर है ये नाइन्टी फोर है ये तो बारह से चार गए दो से चार गए आठ तीन से नौ तेईस से उन्नीस बारह एक सौ अट्ठाईस आएगा जी क्लियर हो गया दोबारा माइनस कर देते हैं कहीं गलती तो नहीं कर रहे नाइन्टी फोर हाँ यस दो से चार आठ तेरह से तेईस से नौ गए आंसर वन फोर्टी एट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे वन फोर्टी एट आएगा ना के वन ट्वेंटी एट वन फोर्टी एट ठीक है आंसर नंबर बी इज द राइट वन वन फोर्टी एट और प्लूटोनियम जो है ये आपका आ, वो है डेट इज़ अ न्यूक्लियर न्यूक्लियर सब्सटेंस है ये पता होना चाहिए आपको जैसे यूरेनियम है रिडक्टिव सब्सटेंस प्लूटोनियम भी रिडक्टिव सब्सटेंस है ये अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है इंडिया इज वर्किंग क्लोजली विद विच कंट्री टू डेवलप ए सुपरसोनिक सुपरसोनिक्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ब्रह्मोस जो है ये आपकी किस चीज के लिए इंडिया की की और मोसोकवा जो जो है है ब्राजील आपकी कंट्री जो है रशिया की जो है, है रशिया की, की जो है ये रिवर रिवर है उनके नाम पे ये बनी हुई है ब्रह्मोस तो ये रशिया की मदद से बनाया गया है इंडिया और रशिया की मदद से आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को यस आंसर नंबर डी और इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है 300 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते और क्योंकि रशिया जो है एम टी सी आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर रशिया इज़ द राइट वन रशिया सो so गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो आप भी आके जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं ठीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और प्लस यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कहाँ पे मिलती हैं टेन थाउजेंड एम कोर्स में आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पे इसमें साइंस ही ना के पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी सब कुछ किया हुआ है डिस्कस क्लियर इसमें एक कूपन कोड लगा लेना तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और जी कोर्स की बात करें ये हमारा थियरी कोर्स है बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीज़ें इसमें स्टडी करी गई हैं अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे जी कोर्स आपको तीसरे नंबर पर दिखेगा और टेन थाउजेंड कोर्स आपको चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं क्लियर और ये है जी मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मैंने 11 अपलोड कर दिए हैं बारह जो आएगा इसी से सो गाइज ये थे लेक्चर के क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच गुड लक टेक केयर बब बाय जय हिंद